हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि सीरीज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की है। डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं, तो इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। और यहां पर अगर म्यू से इसको रिप्रेजेंट करें तो ये चार्ज है और ये आई है। तो लेट्स से कि हम एचएफ की बात करते हैं, तो अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ के आए हैं जिसमें एक पजान रूल था, जिसमें लेटिस एनर्जी थी। तो हमें ये पता चला है कि हमारा मॉलिक्यूल पूरा कोवलेंट भी नहीं होता है, पूरा आयनिक भी नहीं होता है, सम परसेंटेज डोमिनेंट करता है। तो अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर की बात करेंगे तो जो उसकी एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना तुम उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर है। तो रेशियो ऑफ एक्चुअल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ अ प्योर आयनिक बॉन्ड, मतलब अगर एक प्योरली आयनिक बॉन्ड है उसका रेशियो बताता है कितना उसमें आयनिक करेक्टर है। तो मैं ये दो वैल्यूज इसके लिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ एचएफ के लिए। तो जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होती है एचएफ की वो 1.98 होती है, और अगर प्योरली आयनिक मॉलिक्यूल है तो 4.42 डिवाइड होती है मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको करो तो 45% ये आयनिक है। अगर ये 45% आयनिक है, ठीक है, तो जैसे ही हम मतलब इधर जाते हैं, जैसे जैसे हम मतलब मूव करते हैं डाउन द ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा जो है इसके बीच में जो सेपरेशंस हैं, इसके बीच के जो सेपरेशंस डिसाइड करते हैं कि आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो HF और HCl, HPr, HI है, तो HF सबसे ज्यादा आयनिक रहेगा, HCl उसके बाद में, फिर HBr, फिर HI, ठीक है, ठीक है। और ये चीज फजान रूल को भी वैलिड करती है कि कैटायन का साइज हमारा कांस्टेंट है और एनायन का साइज अगर ज्यादा होता है तो वो कोवलेंट करेक्टर फेवर करता है, इसलिए HI जो है सबसे कम आयनिक है और सबसे ज्यादा कोवलेंट है। फजान रूल भी इस चीज से हम वैलिड कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो आपको हर बार मतलब इस चीज को सोचना है कि बार बार किस तरीके से हम वैलिड कर सकते हैं अपनी जो नॉलेज है। नेक्स्ट है NH3 वर्सेस NF3। अब अगर NH3 वर्सेस NF3 की बात करें तो NH3 में जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होती है। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसी वजह से उसका आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा होती है ये देख लेते हैं कि NH3 में अगर आप मतलब डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन जो है ज्यादा नेगेटिव है और हाइड्रोजन कम नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो अगर डाइपोल मोमेंट की अगर एरो बनाएंगे तो फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, तो सारी की सारी जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, इसलिए जो टोटल निकल के आएगा वो 1.46 डिबाय आएगा। लेकिन सेम चीज अगर हम NF3 के लिए कैलकुलेट करें इट विल बी अराउंड 0.29। तो इसी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है NF3 का कम रहेगा एज कंपेयर टू NF3। तो और कोई एग्जांपल्स यार, अब हम बात करें कि एनायन साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, देखिए ये ना एक एक्सेप्शन वाला मैंने शायद उठा लिया है, मतलब इन जनरल लोग मतलब मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूं तो मैं बता सकता हूं, ठीक है। लोग इसको जो ऑर्डर लगाते हैं तो फ्लोरीन को आगे लगाते हैं लेकिन फ्लोरीन को पीछे लगाते हैं। इसका एग्जांपल पहले एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है चार्ज वर्सेस लेंथ का, वो CH3F का जो डाइपोल मोमेंट है वो कम कर देता है कंपेयर टू CH3CO। अगर ये वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए प्लीज भूलना नहीं कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH2F से ज्यादा होता है, और यही चीज थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। हाँ, डाइपोल मोमेंट विद नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर आप बढ़ाओगे तो वो कम होती चली जाती है। ये एक और क्वेश्चन है जो डाइपोल मोमेंट पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से डाइपोल मोमेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यही है। देखिए हम आयनिक करेक्टर की बात कर चुके हैं, चाहे हम करने की भी कुछ भी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने जो भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में इन सब चीजों को थोड़ा और ढंग से समझ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, जितना हो सके उसको शेयर करिए, क्योंकि कंटेंट बहुत मेहनत से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक मतलब मेरे हिसाब से ये सब कंटेंट अगर आप कहीं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ोगे तो लाख रुपए आपसे ले मिल जाएंगे।
लेकिन हम ये सब चीजें फ्री में पढ़ा रहे हैं। मेरा जस्ट उद्देश्य है कि मैं फ्री में पढ़ाऊँ जितना हो सके, ठीक है, उतना ही पैसा मैं चाहता हूँ जितने में मेरा काम चल जाए। थैंक यू।